जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज के दैनिक पंचांग के बारे में, आज के व्रत के बारे में और आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक 14 फरवरी 2022 दिन सोमवार। सोमवार भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का दिन माना गया है। आज जिनका भी जन्मदिन है उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका भी विवाह का सालगिरह है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल पे आप जितने भी व्रत और कथा को सुनने वाले हैं तथा पंचांग को सुनने वाले हैं, आप सभी भक्तों के ऊपर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें। आज माघ माह शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि होगी, रात्रि 8:29 तक। आज के दिन सोम प्रदोष का व्रत किया जाएगा। जब भी त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल के समय में होता है उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत हो उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है। तो आज सोमवार का दिन है तो सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष या सोमवार प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया जाता है। विशेष प्रकार से सोम प्रदोष व्रत के पूजन विधि मुहूर्त के बारे में या सोम प्रदोष व्रत के कथा को सुनने के लिए जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के आइकन में जाकर के वहां से वीडियो के माध्यम से आप जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। सूर्योदय 6:25 और सूर्यास्त 5:42। चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे 3:31 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे 4:52 पे। सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा कर्क राशि में। यह शिशिर ऋतु है, अयन उत्तरायण रहेगा। युग आयुष्मान युग, रात्रि 9:28 तक। करण कौलभ करण 7:38 तक। उसके बाद गर करण। नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र 11:53 तक। उसके बाद पुष्य नक्षत्र। दिशाशूल की बात करें तो आज सोमवार दिन होने के कारण आज के दिन दक्षिण पूर्व दिशा की यात्रा ना करें, यह लाभकारी नहीं होगा। अगर ज्यादा जरूरी हो घर से बाहर निकलना तो आज के दिन घर से दर्पण देखकर बाहर निकले। इससे पहले 5 कदम पीछे चले फिर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। आज सोमवार का दिन है तो सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का पूजन करें तो लाभकारी होगा। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि थोड़े से जल से ही अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। आज प्रदोष का व्रत भी है, सोमवार का दिन भी है, तो आज कम से कम भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक करें, उनके ऊपर पंचामृत चढ़ाएं, भगवान को वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं, 3 पत्ते वाला बिलपत्र भगवान को अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य चढ़ाएं और फिर सोमवार व्रत का कथा श्रवण करें, सोम प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें, उसके बाद फिर भगवान की आरती करें तो यह बड़ा ही लाभकारी होगा। अब आइए जानते हैं आज के राहु काल समय के बारे में। राहु काल समय की बात करें तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो राहु काल का समय होगा 7:49 से 9:14 तक। गुली कालम समय होगा 1:28 से 2:52 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:41 से 12:25 तक। अब आइए जानते हैं आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। चौघड़िया 7 प्रकार की होती है जिसमें से कि 4 शुभ चौघड़िया और 3 अशुभ चौघड़िया होती है। तो हम जानेंगे केवल आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं दिन के शुभ चौघड़िया मुहूर्त, जो कि अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त 6:25 से 7:49 तक। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त 9:15 से 10:39 तक। उसके बाद फिर चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त 1:28 से 2:52 तक। उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त 2:52 से 4:17 तक। उसके बाद फिर अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त 4:17 से 5:42 तक। तो यह थी दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त।
अब आइए जानते हैं रात्रि के शुभ चौघरिया मुहूर्त के बारे में। चरण नामक शुभ चौघरिया मुहूर्त शाम 5:42 से शाम 7:17 तक, उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौघरिया मुहूर्त रात्रि 10:28 से रात्रि 12:03 तक, उसके बाद फिर शुभ नामक चौघरिया मुहूर्त रात्रि 1:39 से रात्रि 3:14 तक, उसके बाद फिर अमृत नामक शुभ चौघरिया मुहूर्त रात्रि 3:14 से रात्रि 4:49 तक, उसके बाद फिर चरण नामक शुभ चौघरिया मुहूर्त रात्रि 4:49 से सुबह के 6:25 तक। तो यह थी दिन और रात्रि की शुभ चौघरिया मुहूर्त। यह विक्रम संवत 2078 आनंद है और शक संवत 1943 प्लव। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।